दोस्तों, कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में, जिसमें विशबोन सस्पेंशन बढ़िया है कि मैकफर्शन रियर सस्पेंशन बढ़िया है, जिसमें आपका जवाब सही था सबका। किसी ने कमेंट किया कि जो मैकफर्शन है उसका नाम बढ़िया लग रहा है तो शायद वो बढ़िया, बट एक्चुअल में जो आम गाड़ियां हैं स्कोडा स्लाविया जैसी या इवन टी रॉक जैसी भी, उसमें मैकफर्शन टॉर्शन बीम सस्पेंशन ही यूज़ होती है, बिल्कुल बेसिक सस्पेंशन है ये, इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसमें एक रॉड रहती है। मैं आपको टी रॉक की और स्लाविया की वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही बेसिक एक मिनट की वीडियो है ये। एक टॉर्शन बीम रहती है, कोई इसको ट्विस्ट बीम भी कह देता है, और साथ में इसके एक कॉइल स्प्रिंग रहता है और एक साथ में शॉक अब्जॉर्बर रहता है, दैट्स इट दोस्तों। बट क्वालिटी कैसे वेरी करती है गाड़ी टू गाड़ी, बुशेस ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल होते हैं जो महंगी गाड़ी होती है थोड़ी सी, और जो स्प्रिंग होता है वो भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपको बेहतर सस्पेंशन मिलती है पर्टिकुलर गाड़ी में। एक तो ना कुत्ते ने जीना औखा किया है।